अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you। कितनी बार बोल चुकी हूँ तुमसे। हाँ जाओ अभी। अब जाओ, जल्दी जाओ। अरे कहाँ ना, जाओ। वैशाली, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग तो आ ही रहे ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? अभी तुम्हारे पिताजी ने बोला ना, तुमने सुना नहीं क्या,
तुम्हें फिर से बताऊं, ससुर जी ने तुरंत आने के लिए कहा है। तो चलिए ना। हे भगवान, कब से मेरी माँ की तबीयत खराब है और आप यहीं बैठे हुए हैं, चलिए। वैशाली, जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा। क्या मेरा कल एग्जाम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? आप लोग जाइए। बोल रही है नहीं जाएगी तो रहने दीजिए। एक काम करिए, मुझे वहाँ ड्रॉप करके आप वापस आ जाइए। अब जल्दी चलिए। देखो, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। अकेला छोड़ देंगे ना तो वो चुपचाप काशी के घर चली जाएगी और बोलेगी कि मैं नींद में थी इसलिए चली गई, ऐसा बोल के बहाना बनाएगी। हो सकता है उसका सच में एग्जाम हो। एक काम करिए, बाहर से लॉक कर दीजिए और आप मुझे वहां पर ड्रॉप करके वापस आ जाइए घर। वैशाली, लॉक करके जाएंगे तो तुम अकेली रह जाओगी, फिर तुम्हें डर लगेगा। डर क्या, जाइए ना पापा, पर सुबह तक जरूर आ जाना वरना मेरा एग्जाम फूस हो जाएगा। Just over.
हेलो माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, वापस आ जाओ घर पे, प्लीज माँ वापस आ जाओ ना। क्या है बेटा, तुमने तो कहा था कि अकेले रुक जाऊंगी और अब बोल रही हो कि माँ वापस आ जाओ। मेरे ऊपर छिपकली गिरी थी माँ, अब मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अरे छिपकली गिर गई क्या? क्या वैशाली के ऊपर छिपकली गिर गई? फोन इधर दो। हेलो वैशाली, क्या छिपकली गिर गई है? क्या छिपकली गिरी है तो डरने वाली क्या बात है, अच्छे से जाके नहा लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है ना बेटा, चलो बाय।
मुझे क्या समझ के रखा? पागल करोगे? फॉलो करोगे? जीने नहीं दोगे क्या? हाँ, कब से देख रही हूँ मैं? हाँ, पीछे किए जा रहे हो? कुछ नहीं, हम फ्रेंड्स हैं, मजाक कर रहे थे। मजाक? अरे बाप रे, मार दिया। अरे अरुण, जब देखो तुम टीवी देखते रहते हो, और यहाँ तक कि आजकल फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खेल रहे हो। कोई भी नहीं खेलता है मम्मी, सब मेरे साथ खेलने से डरते हैं। सुनो अरुण, आज हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा गेम मम्मी? मैं एक भूत बनूंगी। मैं तो घर में ही रहूंगी, तुम सिर्फ बाहर जाकर वेट करना अपने डैडी के कार के आने का। उसके बाद तुम डोर नॉक करना, मैं डैडी को डराऊंगी। आज तुम्हारे डैडी कैसे डरते हैं तुम देखना, ठीक है ना? वाओ, आई एम एक्साइटेड। मैं जाकर रेडी होता हूँ, आप तब तक प्रैक्टिस करो। इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? मैं डैडी के लिए वेट कर रहा हूँ। तो के टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है? घर जाना, चल निकल। चल हट। ओके। रवि, हाय। आपके लिए घर में एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या है? घर में चलेंगे ना, तब पता चलेगा। तुम आओ तो सही। अरे, तुम्हारे लिए कुकीज लाया था, अपनी कार में ही भूल गया। ओ कुकीज, माय फेवरेट। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आऊंगा। नहीं, मैं ले आता हूँ ना। प्लीज, मैं लेकर के आता हूँ। प्लीज डैडी। ठीक है, जाओ लेकर के आओ, लेकिन ठीक से लॉक कर देना गाड़ी। ओके। डैडी तो पक्का डर गए होंगे।
माँ जी, आप अच्छी हैं ना? आपकी तबीयत कैसी है? क्या अच्छा रहना है बेटा, मेरी हालत सीरियस थी इसलिए अपने बेटी और दामाद को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो काम में बिजी हैं। उसने बोला कि वो बस यहाँ से निकल ही रहा है, अब तक फोन नहीं आया। वो जिंदा है या मर गया है कोई पूछने वाला नहीं है, हमें तो फिक्र होगी ना। Hi darling, may I help you? No. तो इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे शक हुआ था, मुझे लगा चोर है, इसलिए मैं यहाँ आई। मैं समझा कि मेरे लिए आई हो। ओके ओके, ये पियोगी क्या? एक बार में चढ़ा ली। और मिलेगा क्या? हाँ? काशी, तुम बहुत सुंदर हो। पता नहीं क्यों, आई रियली लाइक यू। मन करता है तुम्हें खा जाऊं। आई लव यू मेरे बाबू। मैं क्यों तुम्हें अच्छी लगती हूँ? ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्यों बोले तो तुम बहुत अजीब सा, सिवाय सबके जैसा बहुत स्पेशल सी रहती हो। एक ब्रांड हो तुम। आई लव यू। मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं क्यों, पर मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जान देने जितना ये तो मालूम है, मर जाऊंगा मीरा तुम्हारे लिए।
लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मैं देखना चाहती हूँ। I love you. कैसी बदबू है ये? कोई है कि नहीं? मैडम, कहाँ गए सब लोग? दरवाजा खुला छोड़कर चले गए हैं, कहाँ गए? कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पर। मैडम, मैडम, सर, सर, कहाँ है सब लोग? Shit! This is the worst murder I have ever seen. No, ये इंसान का काम नहीं है। हाँ, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। किसी जंगली जानवर ने किया होगा। Yes, जंगली जानवर। Shit! कौन है? कहाँ है यहाँ का इंचार्ज? इस अपार्टमेंट्स को मैनेज कौन कर रहा है? हाँ? दिखाता हूँ। आइए। क्या
ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है, बोर वाटर ही आता है। ये कैसे हुआ सर? किसने किया ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तुझे जेल में डालकर हड्डी पसली तोड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा तुझे। क्या है रे, ड्रामा कर रहा है मेरे साथ? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ए, लोगों से पैसे घूस के रूप में ले रहा है? रेंटल जिंदा है या मर गए तुझे पता नहीं है? कैसा ऑनर है तू? हाँ ए, देख मुझे सब कुछ पता है, फिर भी तुझसे पूछ रहा हूँ, तू यहाँ का ऑनर कैसे हो सकता है? हाँ ना 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 ना, तुझे तो देखने से ही साइको किलर जैसा फील हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की किडनी और हार्ट्स बेच रहे तू? सही कहा ना मैंने? हाँ सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं मानता हूँ बराबर देखभाल नहीं करता, लेकिन ये नहीं सोचा कि ऐसा होगा। आप इसे इश्यू मत बनाइए प्लीज। इश्यू जोड़ता हूँ, इश्यू बना रहा हूँ मैं, इश्यू बना रहा हूँ मैं तो क्या करेगा? मुझे मारेगा, मुझे मार डालेगा? जानता नहीं है तू मुझे? सर आप गाली देंगे तो भी ठीक है, लेकिन इतने सारे बच्चे बिना खाए रहे ये मैं नहीं दे सकता। इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से आए रेंट से ही ये अनाथाश्रम चला रहा हूं सर। सर मैं एक आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग्स बेच के दिन बिताता हूं। कॉम्प्लेक्स से आए रेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है सर। सेंटीमेंट बट आई लाइक इट, गुड। लेकिन काशी आखिर ये सब किसने किया होगा? तुम्हें किसी पे कोई शक है क्या? सर सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, असल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरा विश्वास कीजिए मुझे कुछ नहीं मालूम। कूल काशी कूल, तुम जाओ, शाम में फिर मिलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इस केस को सॉल्व करने के लिए। ओके ठीक है, यू कैन गो नाउ। ये कौन है सर? ओनर ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स। देखने में ये आदमी बेवड़ा लगता है, ये क्या ओनर होगा सर? हम जिस अनाथ आश्रम को फंड डोनेट करते हैं ना, वो इसी का है। ओ मीरा, मीरा, मीरा क्या हुआ? मीरा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई बिना बताए? तुम मेंटल हो क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? पुलिस को बोल के टांगे तोड़वा दूंगी तुम्हारी। क्या बात कर रही हो मीरा, रात को मेरे साथ ठीक ही थी ना, पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। डोंट प्ले चीप ट्रिक्स, नहीं तो मार डालूंगी तुम्हें। रात को मेरे साथ ही थी ना, मुझे ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीरा प्राइवेट डिटेक्टिव सातारा। वैसे यहाँ किस काम से आई हैं आप? मिसिंग केस, कार्तिक नाम के एक लड़के का मिसिंग केस। 6 महीने से यहीं पर रह रही हूँ। I have some clues, आपको हेल्प मिल सकती है। गुड मीरा, any suspects? सर ये जगह बहुत ही अजीब है, हर रोज अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा है, और भी कई तरह की आवाजें आती हैं। यहाँ के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन मैं यकीन नहीं करती। मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के कर रहा है, ऐसा डाउट है। मीरा आप जो बोल रही हैं, उसका कोई सबूत है क्या? आप इस अपार्टमेंट में
किसी से भी ये पूछ सकते हैं। चलिए मेरे साथ। ओके, लेट्स गो। मीरा, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है? तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरेस्ट कर लो ना। नो 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 नो, जस्ट आई एम प्लीडिंग, प्लीज। लड़की को देखने के बाद कोई भी कठोर आदमी बिल्कुल मुलायम हो जाता है। चलो। तुम्हारा नाम क्या है? अरुण प्रताप सर। इस अपार्टमेंट में जो मर्डर हुए हैं उसके बारे में क्या जानते हो? मर्डर तो हुए हैं सर, लेकिन सुसाइड केस भी बहुत हैं। रात के समय बहुत आवाजें आती हैं सर, और यहाँ पर नीचे बहुत सी परछाइयाँ दिखती हैं सर, और इस घर से छन 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 की आवाज आती है सर। सर, इतने लोगों के मरने के बाद भी क्या हमें इस घर में रहना चाहिए? हाँ, जरूरी है, तभी तो हमें जो क्लूज चाहिए वो मिलेगा। हाँ काशी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या सर, आप भी? वैसा कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे, आप ऐसे ही रहेंगे तो मारने वाला मारता ही रहेगा। काशी, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? और भी लोग मरेंगे, ये तुम्हें कैसे पता? अरे सर, ऐसे ही फ्लो में निकल गया सर, मैं चलता हूँ सर, यहाँ रहूंगा तो बिना बोले ही फंस जाऊंगा। केस सॉल्व होने तक किसी पे भरोसा नहीं कर सकते काशी। टी फॉर यू। ये क्या, इधर भी। थैंक यू। मीरा, तुम हमें बहुत हेल्प कर रही हो। मीरा, तुम यहां कैसे? कैमरा लगाने का आइडिया मीरा ने ही दिया है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां पे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मीरा, काशी को भी कॉफी दो ना प्लीज। खत्म हो गई है, बनाना मुश्किल है। छी, क्या जिंदगी है यार। सर, मैं घर जा रही हूँ, बाय। सुबह मैं आती हूँ, आपके लिए नाश्ता ले आऊंगी। बोलती है नाश्ता लाएगी। छी, आई लाइक हर बिकॉज शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके सर, मैं भी चलता हूँ, बाय। मीरा, मीरा, मीरा प्लीज। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मीरा? मेरे साथ 5 मिनट बात तो कर सकती हो। तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है क्या? मेरा पीछा करोगे तो मार डालूंगी। तुमने देखा ना उन 5ों को मैंने कैसी भयानक मौत दी। नेक्स्ट तुम हो। हाँ मार दो, बात खत्म हो जाएगी। रोज वैसे ही मर रहा हूं। अच्छा होगा तेरे हाथ से मर जाऊं। हर दिन मुझे नरक दिखा रही है। ए जिमी, व्हाट हैपेंड? छह, एक ये है, हमेशा पी के सोया रहता है, इडियट। ए जिमी, डोंट शाउट, क्या हुआ, क्या हुआ? ए, नो नो नो, स्लो स्लो, वेट जिमी, डोंट हरी, भेजूंगा। हे हे जिमी, गो स्लो। ए जिमी, रुक जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, रुको, सुनो।
जिमी, 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 जिमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, कल बहुत परेशान थे, तुम्हारी फोन पर आवाज भी नहीं सुनाई थी। नहीं सर, मैं एक मर्डर मिस्ट्री केस डील कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में मेरा प्यारा डॉगी जिमी अपनी जान दे बैठा है। इन सब के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है, मुझे ऐसा डाउट है सर। ओके, सॉल्व इट। सर, मुझे एक स्पेशल फोर्स ब्लड हाउस चाहिए। ब्लड हाउस के बारे में बात कर रहे हो आप? अरे जंगली डॉग भी अवेलेबल नहीं है, सब के सब सीएम के बंदोबस्त में चले गए हैं। एक काम करिए, आप भी जाइए। देखिए सर, जब आपकी बीवी अकेली होगी तो कोई चुपके से आपके घर में घुस के उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, तब भी आप यही बोलेंगे क्या? हाँ, माइंड योर वर्ड्स, तुम्हारे लिए डॉग नहीं, तुम्हारे लिए सस्पेंड ऑर्डर भेजूंगा। Get out of my sight. Just get out. बता। अगर तूने मॉनिटर देखा होता तो सब समझ जाता। पीछे सोया हुआ था, तेरी वजह से जिम्मी मर गया। इडियट, कामचोर का। तेरी बातों में आके जिम्मी को मैंने गवा दिया, समझा? तेरी वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है, बेवकूफ। सर, सर, सर छोड़ दीजिए, मार दोगे क्या उसे? बेचारा वो भी क्या कर सकता है, पहले ये सब कौन कर रहा है ये जानना है। मुझे अब यहाँ रहने में अब डर लग रहा है सर, आप जरूर सॉल्व करेंगे, इसी उम्मीद से मैं यहाँ रह रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, इस अपार्ट में रहने वाले सब इसी उम्मीद से रह रहे हैं सर, और आप ही डिप्रेस हो जाओगे तो कैसे चलेगा? ओके, मैं ही सॉल्व करूंगा। थैंक्स मीरा, आई हैव टू सॉल्व इट एंड विल सॉल्व इट। ओके, एक्शन। देखा मीरा, लिफ्ट भी तुम्हारे लिए कैसे रुक गई है। क्या बात है मीरा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम उस पुलिस ऑफिसर के साथ घूमती हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है मुझे, पता है क्यों? मुझसे नहीं रहा जाता है, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता है। मीरा, मेरी बात को समझो ना, समझो। हेलो मैडम, यहाँ कुछ काम नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं, लिफ्ट हिलेगी भी नहीं। तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूँ मैं, उस दिन तुमने मुझे आई लव यू बोला था ना, और तो और तुमने मेरे साथ पी भी थी। जो पूछा उसका तुमने जवाब क्यों नहीं दिया?
क्या बात है सर, क्या प्रॉब्लम है? सर मत बताओ सर, बता छोड़ दो सर। ए काशी, यही मेरी प्रॉब्लम है, बता क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ क्या सर, थोड़े से मजाक में इसको क्यों मार रहे हो, ऐसा गलत है ना सर? ओ गलती है क्या, क्या सही है? मैं बताऊं यहाँ जितने मर्डर्स हो रहे हैं ना, उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ है। अब तुम मीरा को मारना चाहते हो, राइट? क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बात करेंगे। अच्छा मीरा ये तुम्हें मारना चाहता था या नहीं? नहीं सर, पीछा किया बस। ओके काशी, मीरा का पीछा करना बंद कर दो, दोबारा ऐसा करने की गलती भी मत करना, समझ गए? इसका पीछा तो मैं जरूर करूंगा, ये मेरी पर्सनल है, मेरे मामलों में अपनी उंगली मत डालिए। I'll handle you, I'll finish you, damn it! Move! Idiot! मीरा, थैंक यू सर, आप मैसेज मिलते ही तुरंत आ गए। ओ मीरा, इट्स माय प्लेजर टू हेल्प यू, एंड मीरा आई लाइक यू। सर सच बोलिए सर, कुछ तो हो रहा है सर, पर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा सर। सर वैसे आपका क्या प्लान है बताइए ना सर। गौतम, एक्चुअली मीरा काशी से प्यार करती है सोचा था, लेकिन तुमने देखा था ना कि मीरा ने मुझे मैसेज भेजा था लिफ्ट में? उसने मुझे मैसेज किया था कि काशी मुझे टॉर्चर कर रहा है, तभी मुझे ऐसा कुछ हुआ था, प्यार टाइप। मतलब कुछ गौतम, मीरा बहुत खूबसूरत है ना? सर वैसे वो काशी भी लाइन में है सर, उसके बारे में क्या सोचा है सर? कितने दिन तक रहेगा वो भी देखेंगे। काशी नहीं है, मर गया वो। सॉरी काशी। सॉरी क्यों? हाँ तुम मुझसे बात करोगी तो मेरे लिए काफी है, तुम मुझसे नॉर्मली बात करके कुछ भी करो, चाहो तो चाकू से भी मार डालो, मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नॉर्मल रह सकती हो ना? आई लव यू काशी। ए, ये तुमने क्या किया, पागल हो गए हो क्या? मैडम तुम ऐसी अजीब सी बातें करके चली जाती हो, ये सच है या झूठ ना जानते हुए भी मर रहा हूं मैं, लेकिन कम से कम ये तो सच है मीरा। मीरा तुम डरो मत, मुझे गलत मत समझना, असल में तुमको दिखाना नहीं चाहता था, मैं पागल हो रहा हूं मीरा, चलो। बोलो ये सच है ना, ये चोट तुम्हारी पीठ पर है, ये सच है ना?
ये स्मेल कैसी है? ये कैसी स्मेल है ये? ओह माय गॉड, सर इसी टंकी से हमारे फ्लैट में पानी आता है सर। कम स्लोली। यहां चेक करो। क्या कुछ नहीं है सर। सर शिट, डेड बॉडी। करके चेक करो सर। क्या हुआ? देखो जिंदा है कि मर गया। सर ये मर गया सर। शिट, आखिर इतने सारे खून किसने किए होंगे? एक बार हत्थे चढ़ गया ना तो उसकी मैम। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। सर मैं ऊपर। जरूरत नहीं है, आई कम देयर। हाय सर, आई एम गुरु। हाय। सॉरी सर, सुना है कि आप सस्पेंड हो गए हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। ओ तो आप ही हैं जो मेरी जगह आए हैं। यस सर। हाँ बोलिए सर, आपको कैसी भी हेल्प चाहिए? इस केस को ऑलरेडी मैंने टेकअप किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। पूरे 7 मर्डर हुए हैं सर, और उस रूम में वैशाली की नानी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी सर। वैशाली के नाना की अस्थमा से मौत हुई थी सर। वैशाली को सिर्फ एक जानवर ने मारा है उसे, ऐसी रिपोर्ट आई है सर। लेकिन वैशाली को पीसेस पीसेस करके इतने भयानक तरीके से किसी आदमी ने मारा है या किसी जानवर ने मारा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। नो क्लूज। ओह वेट, रूम तो लॉक था, फिर वो खूनी अंदर कैसे आ गया? नो क्लूज। और मरे हुए इतने दिन हो गए थे फिर भी स्मेल क्यों नहीं आई? नो, समथिंग इज देयर। हस्बैंड जब वो अपने ऑफिस चला जाता था तो कोई दूसरा आकर के उससे नाजायज संबंध बनाता था। जब वो अपने ऑफिस से घर आता था तो ऑलरेडी कई लोग मर चुके होते थे, ऐसा ही देखने को मिल रहा है सर। ये केस तो अपने आप में ही सर काफी उलझने पैदा करता जा रहा है। दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता क्या? आके घास चरने गई क्या तुम्हारी? गुरु 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 गुरु। ओके लिविट लिविट। चल निकल निकल। कम ऑन कम ऑन। लेविट, इस अपार्टमेंट में अच्छे से सेट हो गए हो, इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत मदद मिलेगी। कोई क्लू मिला है क्या? अभी तक तो कुछ भी क्लू नहीं मिला है सर, लेकिन मुझे उस काशी के ऊपर खास करके उसी पे डाउट हो रहा है सर। सर उसका बिहेवियर उसी की तरफ शक करने के लिए कह रहा है सर। Yeah.
मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ तुम ही ये सब कुछ कर रहे हो। सर मेरा विश्वास कीजिए, मीरा सेफ नहीं है इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। मीरा सेफ है यही देखने आया हो क्या तुम? अगर वो सेफ नहीं है तो उसे मारने आया है। सर एक बार चल के देखिए सर, प्लीज सर। मीरा मीरा ओपन द डोर। ठीक है खोलता हूँ सर। Oh!
रुक, तूने ये सब किया है ना? इन सब लोगों को तूने ही मारा है, मेरी मेरी बेटी को भी तूने ही मारा है। हमें लगा कि किसी जानवर की हरकत होगी, लेकिन हम गलत थे। उन सबका खून तूने ही किया है ना? क्यों किया तूने ऐसा? मारना मत। क्यों ना मारे? इस लड़की को तो मार देना चाहिए, नहीं तो ये हम सबको मार देगी। चुड़ैल कहेगी। पीटना नहीं, इसे जलाकर मार देना चाहिए। हाँ, इसे जला देना चाहिए। बिल्कुल, मार दो इसे। मारो, मारो इसे, मारो मत। ये चुड़ैल है, इसको मत छोड़। मारो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मारो इसे और मारो। छोड़ दो गौतम, लगता है वो लोग उसे मार डालेंगे। जाके अरेस्ट करो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। काशी, डोंट मूव। काशी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। काशी, ऐसी कोई भी हरकत मत करो जिससे। काशी, काशी बात समझने की कोशिश करो। चल चल निकाल। अरे अरे भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल हो गया हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना काशी? तो वो लोग जब मुझे मार रहे थे तो तब तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? जाओ, जाके मारो उनको। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतने लोग तुम्हें मारने पर तुले, इतनी मुश्किल से बचा के लाया तुमको, पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। मीरा, मेरा विश्वास करो, सच बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। सच क्या है? तुम्हीं ने ये सब किया था क्या? मुझे सच बताओ मीरा, मेरी आंखों में देख के बात करो। मीरा, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं, बताओ मीरा। किसने किया ये सब, बताओ मुझे। मैंने ही किया था। पर क्यों मीरा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ऐसे ही टाइम पास है बाबा। मीरा, पागलों जैसी बातें मत करो। प्यार करते हो बोला था, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने ही मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। तुम कहाँ जा रही हो मीरा? टॉयलेट, वहां भी नहीं जाऊं क्या? नॉटी बॉय।
सेटअप बहुत अच्छा है। प्राइवेट इंट्रोगेशन, ओल्ड बिल्डिंग, फॉरेस्ट लोकेशन, बहुत वाइडली प्लान कर सकते हो। सच सच बता दे, जल्दी से बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मेरे बस की बात नहीं है, पैर को इस्तेमाल किए हुए बहुत दिन हो गए, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। एक भयानक सच है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, ये सारी बातें मैं सच कह रहा हूं। कहानी सुनाऊंगी, सुनोगे ना? नहीं सुनोगे? नहीं सुनोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके गटर में फेंक दूंगी। सुनोगे? सुनो फिर। दूर एक गांव में एक लड़की रहती थी, मीरा। उसके पिता का नाम मोहन, वो एक पागल आदमी था। जब देखो हॉरर मूवीज देखता था, हॉरर मूवीज बनाने वालों की भगवान की तरह पूजा करता था। मीरा को भूत और भूतों की फिल्मों से डर लगता था। कितनी बार बोला फिर भी उसके पिताजी ने बात नहीं मानी। मोहन की सारी खुशियां हॉरर मूवीज नहीं थी। अरे क्या बेटी, अच्छा सीन चल रहा था और तुमने ऑफ कर दिया। जाओ जाओ जाकर के कॉफी लेकर के आओ, जाओ। कॉफी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले आप ये हॉरर मूवीज देखना बंद कीजिए। इन हॉरर मूवीज की वजह से मुझे सपने में डर लगता है। सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी इधर आओ ना। क्या है जी? एक बात सच सच बताओ, इस लड़की को तुमने जन्म दिया क्या? बताओ। फिर से चालू हो गए आप। वो बेचारी तो जरा सी बिल्ली और छिपकली को देख के भी डर जाती है। आप ये हॉरर फिल्में देखना बंद कीजिए, थोड़ा अच्छी फिल्में देखा करिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि शेर ने बिल्ली को पैदा किया है, हिम्मत बढ़ाने के लिए इसे कराटे सिखा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जाओ जाकर दरवाजा बंद करके अपना काम करो, तुम्हारे भी समझ में नहीं आएगा। आउट, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या देख, तो हंस मत, कितनी डर गई थी मैं। चल हट, हट। पापा, पापा देखो, पापा ऐसे, ये मुझे डरा रही है। ये क्या चेजिंग है बेटा, ना तो तलवार है ना ही गन है, बेकार की बात। गेट आउट, डोंट डिस्टर्ब मी।
क्या बेटी, तुम डर गई थी क्या? आप डर गए थे डैडी। मैं क्यों डरूंगा? अगर किसी को डर होता तो वो इतनी रात में किसी भी भूत को क्यों बुलाता? डैडी, दिन पर दिन आप अपने लिमिट से बाहर होते जा रहे हैं। डिस्गस्टिंग। गोस्ट हंटर। देखो दीदी, तुम्हारे फ्रेंड के डैडी साइकेट्रिस्ट है ना, कल सुबह ही उनको बुला लो। डैडी तो पागल होते जा रहे हैं। कितनी दूर घर बनाया है तुमने। जानती हो ना, जहाँ कोई इंसान नहीं है, भूतों जैसा है। तुम बैठ के बातें करो, मैं कॉफी लाती हूँ। आप क्या करते हैं अंकल? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। अब मुझे भी हॉरर मूवीज बहुत पसंद है अंकल। ग्रेट टू मीट यू। रॉन्ग टर्न पार्ट 5 देखा है क्या? बताओ मुझे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? अब तक कितनी फिल्म देखी होगी? तुम्हारी ड्रेस अच्छी, लेकिन तुम मोटी क्यों? मीरा से तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? अंकल, मेरा नाम प्रियंका है। मैं और पापा घर में रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी माँ एक्सपायर हो गई। नमस्कार, आप इस तरह क्यों खड़े हैं? बैठिए ना, बैठिए। जान सकती हूँ आप किससे बात कर रहे हैं अंकल? मेरी माँ खड़ी है, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। माँ से? मेरे पास ही बैठी है ना। आप बहुत अच्छी हैं। आपको किसने मारा माँ? तो पागलपन की हद पार कर गया है। तो आपको क्या लगता है अंकल? अरे तुम रुको ना, पहली बार आप मेरे घर आई हैं। आप क्या लेंगी माँ? ब्लड, लीवर, हार्ट, ब्रेन? बहुत डेंजर है। ओके मीरा, मैं चलती हूँ। बाय। अगर दो चार दिन रुक जाती तो
किसी का भला हो जाता है। फिर आना है? मीरा, इनकी हालत तो बहुत सीरियस है। तुम्हारे डैडी मेंटली बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हैं। जल्दी ही कोई डिसीजन नहीं लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे भी करके उनको रोको, डाइवर्ट करो, उनकी ये फिल्में देखना बंद करो। सुना ना, अब क्या करेंगे बोलिए। भूतों की फिल्में देखना बंद करेंगे या नहीं? बेटा, तुम आज बहुत ही जॉली लग रही हो बेटा। वो इतना सीरियसली पूछ रही है, आप जॉली बोल रहे हैं उसे? अभी के अभी ये फिल्में देखना बंद कीजिए। बंद कर रहे हैं या नहीं बताइए? बंद कर रहे हैं या नहीं बताइए? बंद करेंगे या नहीं, या हम लोग घर से बाहर जाएं? बाप रे, बंद करूंगा, बंद करूंगा। वो तुम लोगों को चाहिए ना? ओके, बंद करूंगा। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू। आई लव यू थ्री। पापा क्या करवा रहे हैं अंदर? कुछ नहीं बेटा, वो बाथरूम को रिपेयर करने के लिए आया है। सर, काम खत्म हो गया है, पैसा। थैंक यू सर, एंजॉय। एंजॉय क्या पापा? टॉयलेट पे बैठ के गैस छोड़ते समय ना आजकल बहुत डर लगता है बेटी, अगर किसी ने सुन लिया तो। इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एंड फिट साउंड प्रूफ डोर लगवाया है बेटी। अब मैं जी छोड़ के गैस छोड़ सकता हूँ। सॉरी बेटा, मेरा ड्रॉप, अर्जेंटली बाथरूम जाना है। अरे बंटी, आ गए तुम? हॉस्टल में बिना बताए आए हो क्या? अब वहाँ क्यों खड़े हो? बैग अंदर रख के आओ। उसके बारे में तुझे मालूम नहीं है क्या? वो कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं करता है। बेटा, अंदर जाकर के मेज पे बैग रख करके आ जाओ। क्या हुआ पापा, बंटी सडनली आ गया? कुछ नहीं है बेटी, वेरी सिंपल। परसों हम सब तेरी बुआ के घर जा रहे हैं, वहाँ पर एक लड़का है अर्जुन, वहाँ तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर देंगे। एंगेजमेंट मैरिज दोनों वहीं पे करेंगे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सडनली शादी डैडी, इतनी शॉकिंग न्यूज़, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक फिल्म देखी थी बेटा, सरप्राइजिंग डैडी, सेम सीन। उस फिल्म में बाप अपनी बेटी को डायरेक्ट शादी में ले जाके सरप्राइज कराता है कि हम तेरी ही शादी में आए हैं बेटी। एज इट इज तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन तुमने पूछा, मैंने बता दिया। वैसे कैसा है सरप्राइज? लोगों की पावर कम हो गई है बेटी, चिल्ला कर बोलेंगे तभी वो लोग सुन पाते हैं, रो के बोलेंगे तो भी नहीं सुनेंगे। तेरी जैसी लड़कियां तो पहले से ही नहीं कुछ सुनती हैं, इसीलिए मैं मर करके भूत बनकर के आऊंगा, तब देखता हूं कि तुम मेरी बात कैसे नहीं मानती हो। तुम हाँ नहीं बोलोगी तो कल रात तुम्हारे सामने आऊंगा, तब जबरदस्ती मानना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूं कि कितनी जल्दी मैं मर जाऊं और भूत बनकर के आऊं। मान लो बेटी, मान लो प्लीज, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं। नहीं मानोगी? मीरा, मान जाओ बेटी, मान जाओ। मानती हूँ। ओके ना बेटी? ओ माँ, सक्सेस।
बस कल तक की बात है, मैं पहले ही जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तुम लोग डायरेक्टली बस स्टॉप पे आ जाना। हाँ मुझे पसंद नहीं है मीना, मुझे मेरे पति को सेलेक्ट करने का भी राइट नहीं है क्या? एक ही दिन में मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? फिर भी मैंने ओके बोल दिया है। मीना मैं कल नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं आऊंगी ऐसा डैडी को बोला है। तुमको ही मैनेज करना पड़ेगा, ओके ना? ओके ना? ओके ना? हाँ ओके ओके। कुछ नहीं है, कल तुम लोग जाओगे ना, बिना लॉक करके जाओ। अगर मम्मी पूछें तो बोल देना कि मैं डायरेक्ट स्टेशन आ जाऊंगी। वो लोग कुछ पूछें तो बोल देना मैं नेक्स्ट बस में आऊंगी। तुम्हें याद है ना? याद है, कल तुम डायरेक्ट स्टेशन आ रही हो, अगर मिस हो गई तो अगली बस में आओगी, इतना ही है ना? गुड नाइट। सुनो ना, मुझे डर लग रहा है, मेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई है, नेक्स्ट मेरी ही है। मेरे पापा के बारे में जानते हो ना, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे, हम लोग भाग जाएंगे यार। प्लीज मैं अभी निकल रही हूँ स्टेशन के लिए, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कल सुबह आऊंगी। बाय। आप कहीं जा रहे हैं? मैं ऑटो से जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी तैयार होकर के आ जाओ। मीना मीना, क्या है माँ? दीदी कहाँ है तेरी? वो तो कह रही थी कि डायरेक्ट स्टेशन आएगी। माँ मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगी। पर क्यों, हमारे साथ चलो ना तुम। नहीं माँ, फ्रेंड से बुक ली थी मैंने, उसे वापस करके आऊंगी, तुम टेंशन मत लो, कहीं भाग नहीं जाऊंगी। हे भगवान, बेटा बंटी। हाँ आंटी। क्या कर रहे हो बेटा? मेरा दीदी को ढूंढ रहा हूँ आंटी। वो सब छोड़ो, अभी सारी खिड़कियाँ जाकर बंद कर दो, एक भी खुली मत छोड़ना। हाँ यहाँ पर बहुत सारे चोर है। ओके आंटी, बाथरूम डोर्स को भी लॉक कर दूंगा। ठीक है। बाहर आने की बहुत कोशिश की मीरा ने, बेचारी मीरा हर कोशिश के बावजूद बाहर नहीं आ पाई। अंदर से वो दरवाजा खटखटाती रही। घर जंगल में था ना, गांव से बहुत दूर होने की वजह से मीरा की रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तब तक रो रो के थक चुकी थी मीरा, उसे प्यास लगी थी। मीरा को बाथरूम का टैप वाटर ही पीना पड़ा। बेचारी मीरा को बहुत भूख लगी थी, पर कौन था वहां ध्यान देने के लिए? Oh.
ऐसी अकेली बैठी थी मीरा कि बाहर बिल्ली की चीख सुनाई दी तो उसे शेर समझ के डर जाती थी। मीरा तो पहले से ही बहुत डरपोक थी ना। कांप उठती थी, वो सहम जाती थी। लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। मीरा के लिए अकेलेपन में डर के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। मीरा को ऐसी नींद आई कि कुछ अजीब सपने आने लगे। सपने में भी डर ही था। जगने पर भी डर था। कितनी भी रोले सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे ही बाथरूम में रहना पड़ा बेचारी मीरा को। खिड़की से बाहर जाने की कोशिश की पर बेचारी गिर गई। वो बाथरूम में रहते रहते पागल सी हो गई थी बेचारी मीरा। थक गई थी मीरा और गुस्से से बावली हो रही थी। बाथरूम में रखे बाल्टी को दीवार से मारने लगी। बाल्टी से दीवार को तोड़ नहीं सकते ना मोहन। बेचारी मीरा को तो ये पता ही नहीं था। गुस्से में बाथरूम में जितना भी सामान था सबको फेंकने लगी। कर्टन निकाला, कर्टन निकाला तो क्या था मोहन? बताओ कर्टन के पीछे क्या था? हाँ, स्क्रीन थी। स्क्रीन कब लगाई थी? मीरा को धीरे धीरे सब याद आ गया। सर, काम खत्म हो गया। पैसा? हाँ। थैंक यू सर, एंजॉय। एंजॉय क्या पापा? टॉयलेट में बैठ के गैस छोड़ते समय ना आजकल बहुत डर लगता है बेटी, अगर किसी ने सुन लिया तो। इसलिए मैंने
स्ट्रॉन्ग एंड फिट साउंड प्रूफ डोर लगवाया है बेटी। अब मैं जी छोड़ के गैस छोड़ सकता हूँ। बाप रे, बंद करूंगा बंद करूंगा। वो तुम लोगों को चाहिए ना। ओके, बंद करूंगा। अब तो अकेली थी ना। टीवी ऑन किया। बाहर की आवाजों से डर के कुछ और सुनना चाहती थी, पर टीवी पे तो भूत ही भूत थे। कितने चैनल बदले, फिर भी सब में ही भूत। मीरा ने डर को ही साथी बना लिया। धीरे धीरे वो अपने उंगलियों के बीच से देखने लगी। डर में देखती थी, फिर भी देखती थी, कांपती हुई देखती थी। फिर उसने खुशी से देखना शुरू कर दिया। भूत की फिल्म देखकर मीरा आनंद लेती थी। हाँ हाँ, फिल्म देखते हुए मीरा को साइड में विस्की की बोतल दिखाई दी। भूख लग रही थी ना, जाकर विस्की ले आई। बैठकर बॉटल ओपन करके पीने की कोशिश की। और फिर बॉटल खुल गई। स्मेल ही पसंद नहीं आई। फिर भी भूख लग रही थी ना मोहन। Somebody save my life. Save me, save my life.
मुझे समझ में आया, बाथरूम में जब अकेली थी वो थ्रिल चाहिए, वो हॉरर चाहिए। क्या है यार, पूरे घर में बदबू आ रही है। लाल है, इसे ब्लड से बनाया है क्या? हाँ, बिल्ली के खून से। You naughty, something special drink ना? You always different baby. क्या है ये? मुझे नहीं पसंद आया, ब्लड जैसा है। क्या है? Thank you.
क्यों मारा उसे? तुम लोग गांव में रहने वाली टीचर की बेटी हो ना? टिकट नहीं मारा क्या? नहीं नहीं, ये जंगल है ना, यहाँ शेर ने थोड़ा सा खाया और थोड़ा तुम खा के चली गई। तो मुझे क्यों बोल रहे हो? वो सब बात में पहले तो नॉट इन अ पब्लिक प्लेस डियर, एड्रेस मालूम है ना, इवनिंग में आ जाना। थोड़ा सा नो सर, मरा हुआ लड़का एक फोटोग्राफर था सर, किसी जानवर ने मार दिया सर, केस क्लोज्ड। शर्मा रही है, मैं डोर बंद करता हूं, तब तक तुम क्या हुआ था बेटी, एक फोन भी नहीं किया तुमने, तुम्हें क्या लगा हम लोग मर गए? अरे उधर कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो ना? नो, मुझे कुछ शक लग रहा है। मम्मी आप बैठो। मीरा, तुम क्या कर रही हो उनके साथ? मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे, उनको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगी। छोड़ो, मार डालूंगी। छोड़ो,
टेंशन मत लीजिए, आपके पति को नहीं मारा। मीरा, हेलो अंकल, मैं मीरा हूँ। अंकल प्रिया, मुझे एक हेल्प चाहिए। आप जहाँ रहते हैं मैं वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे एक घर चाहिए। कल ही आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। फिर से हम नए घर में मिलेंगे। वो सर मेरी बेटी। सर अब तक मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं सर सर, लेकिन लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे हॉरर फिल्म दिखाई है वो बहुत ही सुपर है सर। एक बात कहूंगा सर, उसने पूरा धमाल मचा दिया है सर। आप क्यों मार रहे हैं सर? आप लीगली क्या एक्शन ले सकते हैं? हाँ मेरी बेटी पागल है, आप लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाइए उसका। लेकिन सर अगर डॉक्टर को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ नहीं लूंगा मैं। I just can't believe this. How is it possible? How? Oh my God. I can't. Excuse me, Mr. Siddharth. Shit, I can't. It's possible. ऐसे केसेस को हम पहले भी देख चुके हैं। जिन लोगों को आप वीडियोस में देख रहे हैं वो कैनिबल्स हैं। अपनी खुशी के लिए ये लोग इंसानों को खाते रहते हैं। ऐसा सभी देशों में होता है। मीरा भी इसी टाइप की है। वो इंसानों को मारती है और अपनी हैवानियत की भूख मिटाने के लिए उन्हें खा जाती है। अब वो किसको मारेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। इनफैक्ट वो खुद भी नहीं डिसाइड कर पाती। बहुत ही इंटेलिजेंट है वो। वो अपना हर कदम बहुत संभाल कर रखती है ताकि कोई भी उस पर कभी शक न कर सके। इंडिया में मैं ये पहली बार देख रही हूँ। जैसा कि उसके पापा बता रहे थे कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा उसे भी खतरा है, इसीलिए हमें किसी भी हालत में उसे अरेस्ट करना ही होगा। हाउ कैन यू से दैट? आपको कैसे पता है? The reports are saying that after verifying the evidence, it's very clear. तुम्हारे कहने का मतलब उसे कोई जादू आता है क्या? हाँ? How can she kill? I'm totally confused. आखिर एक बंद कमरे के अंदर वो कैसे जा सकती है और बाहर कैसे आ सकती है? सब कुछ समझ से ऊपर है। सर, वो बाथरूम में लगे ग्रिल्स को ओपन करके अंदर जाती थी। घर में लॉक होता था तब भी वो अंदर चली जाती थी। पुलिस डॉग से वो बचने के लिए केमिकल स्प्रे का यूज करती थी। माय लास्ट डाउट, मीरा बाथरूम में लॉक होके पागल हो गई तो इतने दिनों तक उसके पेरेंट्स कहाँ गए थे? सर मैंने वेरीफाई किया है, वो लोग हरियाणा जाते समय बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो लोग बच गए थे। पेपर में भी आया था सर, उसकी मदर कोमा में है। मीरा भाग गई ये सोचकर ये लोग वापस आ गए। व्हाट अबाउट काशी, वो भी पागल है क्या मीरा की तरह? He is absolutely fine. वो सिर्फ एक ड्रंकर है। वो आपको भी पता है ना कि वो मीरा से बहुत प्यार करता है। अगर हम किसी भी हालत में उसे मीरा से दूर कर सके तो उसमें बदलाव आ सकता है। She killed my daughter. इसी ने मेरी बेटी को मारा है। मेरी छोटी सी बच्ची, उसका नाम था मीरा, वो किसी और को भी मार सकती है।
वो लोगों के सामने अच्छे होने का ड्रामा करती है। ओह माय गॉड, उसे तुरंत मार दीजिए या फिर उसे अरेस्ट कीजिए। टेक द फोर्स एंड अरेस्ट देम। मैंने फोर्स भेजने के लिए बोला था लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अगर भेजा माइंड योर लैंग्वेज तो ये सब नहीं होता। माइंड योर लैंग्वेज। हाँ गौतम बोलो। हाँ हाँ ओके, पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। आखिर वो पकड़ा ही क्या? तुम और वो मिलके हमको मारने का प्लान कर रहे थे क्या? करो फोन, पुलिस को फोन करो। पुलिस वाले खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं क्या? हेलो, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, सर आने वाले हैं। सुना है लोगों को चुन चुन के मारती है, असल में इन दोनों को भूत ने पकड़ रखा है। मैं तो कहता हूँ इसे ही गोली मार देनी चाहिए, ये भूत का नाम लेके हमें डराता है। वो कोई भूतनी नहीं है, वो भी हम जैसे इंसान है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप ही पागलों जैसी बातें मत कीजिए। अरे ओ, तू क्या पागल हो गया है क्या? और उस पागल लड़की को कहाँ लेके गया? चल बता बता। मार डालो इसको। सर, मैं उसे चंबल के फॉरेस्ट में लेकर गया था लेकिन वो मुझे घायल करके भाग गए। तेरी तो जो करना है वो करके नखरे दिखा रहा है। हाँ? नखरे मार डालूंगा तुझे। सर सर सर। हाँ सर, बोल। सर, एक मिनट सुनिए ना सर। चल सिगरेट। क्या बात है बोल। सर आज सुबह से सारे स्कूल के बच्चे मिसिंग है सर, और स्कूल वैन भी दिखाई नहीं दे रही है, और गाड़ी का ड्राइवर फोन भी नहीं उठा रहा है सर। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है सर, पब्लिक को पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा सर। हेलो, आप लोग फॉलो कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि चंद्रपुर के फॉरेस्ट एरिया में उन्होंने एक बस देखी है और उस बस को एक लड़की चला रही है सर। हाँ लेट्स गो। तेरी तो गौतम, इसे उठा के जीप में डाल। लोग चारों तरफ फैल जाओ, जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, और अगर वो हमला करे तो उड़ा देना।
दो, चाबी दो। दे दो चाबी। काशी चाबी मांग रही हो ना? चाबी दो। मेरी बात मानो मीरा और सरेंडर कर दो। वो तुम्हें ट्रीटमेंट दिलवा देंगे, तुम फिर से नॉर्मल बन सकती हो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे मीरा। अरे ओ, चाबी दो। मैं चली जाऊंगी, मुझे ना ट्रीटमेंट चाहिए ना तेरा प्यार। चाबी दो। क्यों मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ, खूबसूरत हूँ क्या? मेरे साथ सोएगा क्या? सोया था ना, तब कैसा लगा था? मजा आया था, फिर से आएगा क्या? आ आब मीरा, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मेरी बात सुनो मीरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम डॉक्टर के पास जाओगी, तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। कैसा पागल है तेरी, तो मेरे से प्यार करके मुझे ही पुलिस को पकड़वा देगा। अब प्यार कर। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। अब आई लव यू मीरा। अब आई लव यू। रे 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 बोल ना। अब बोल ना काशी। I love you. बहुत अच्छा है, अब बोल काशी। I love you. देख काशी, एक काम करते हैं, हर रोज हम सबको मार के खाएंगे और मजे से रहेंगे, ओके ना? अगर डील ओके है तो किस दो? दो। मेरा, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? तुम पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो? पागल हूँ क्या मैं पागल हूँ क्या बेटा? क्यों ऐसे बोल रहे हो? शरारती, बदमाश, नटखट। तुमको भी बाथरूम में लॉक करके हॉरर फिल्में दिखाएंगे और उसके बाद भूखा रखेंगे तुम्हें, तब तुम्हें मेरा टेस्ट पता चलेगा। एटलीस्ट बच्चों को मार के खाएंगे। रॉन्ग टर्न, इविल डेड, ना थ्रिल है ना? क्यों ऐसे गुस्से से देख रहा है मुझे? मारेगा, मार डालेगा। हाँ, आइडिया, तेरे अनाथ आश्रम में बच्चे हैं ना, उन्हें एक एक करके लाके दे, ओके? हाँ? मीरा, मैं तुम्हें I love you, Meera. I love you. I love you too. Hey, Kashi. Sir, sir, please, Meera को कुछ मत कीजिए, sir. Are you mad? कितने लोगों की जाने चली गई पता है तुमको? She must be arrested. हट. Sir. ए काशी, अस्पताल जाएगी तब भी ऐसा ही करेगी सर, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है, उसे छोड़ दीजिए सर, मेरी बात मानिए, उसे छोड़ दीजिए सर, उसे अरेस्ट मत कीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? तुझ पे भरोसा करना बेवकूफी है, इडियट। सर, सर। ए, मुझे धक्का देता है?
प्लीज सर, छोड़ मुझे। मुझे मारेगा? जान से मारूंगा, समझा? जान से मार डालूंगा तुझे। मालिक को क्या समझ रखा है? अब अगर किसी को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों का इनकाउंटर कर दूंगा, समझ गया ना तू? माइंड इट। चलो जल्दी, फास्ट। पिछले 3 महीनों से उसे ढूंढ रहे हैं सर। वो कहां पर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर, रिलैक्स सर, प्लीज सर, संभाल कर सर। I want Meera at any cost. मुझे मीरा चाहिए।
Somebody save my life. Somebody open my door. Save me, save my life. Somebody open my door. तकलीफ है कितनी,